हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दिघा स्ट्रीट ब्लॉग पार्ट 7। तो आज पार्ट 7 में आप लोग को एक्सप्लोर करवाऊंगी न्यू दिघा। तो हम लोग स्टे किए थे ओल्ड दिघा में, ओल्ड दिघा से न्यू दिघा हम लोग जा रहे हैं इस रिक्शा पे बैठ के। यहाँ का लोकल व्हीकल्स यही है जो इसी पे आपको जाना पड़ेगा। जी हाँ, तो यहाँ पर लोकल यही चलती है रिक्शा। तो आपको पे करना होगा ओल्ड दिघा से अगर आप न्यू दिघा जा रहे हो ओनली ₹100। जी हाँ, आप एक पर्सन हो या दो पर्सन हो, आपको सिर्फ और सिर्फ ₹100 to ₹150 पे करना पड़ेगा। वो डिपेंड होता है कि आपकी बार्गेन कितना अच्छा है। जी हाँ, सो इस वाले भैया का मैं डिटेल्स आपको दूंगी डिस्क्रिप्शन में। मैंने इस वाले भैया से कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया था। तो हम लोग दिघा में स्टे किए थे 5 डेज। 5 डेज हम लोग कहीं भी जाते थे यही वाले भैया के साथ जाते थे। तो मैं स्क्रीन में भी मेंशन कर रही हूँ इनका नंबर। तो आप लोग अगर दिघा जाए तो प्लीज इस भैया से कांटेक्ट जरूर करें। तो अब हम लोग उतर चुके थे इस रिक्शा से। रिक्शा से उतरने के बाद ये स्ट्रीट साइड मुझे बहुत ही अच्छा ज्वेलरी की शॉप नजर आई। तो यहाँ पर से मैंने बहुत सारे पेंडेंट लिए हैं और यहाँ पर बहुत ही चीप प्राइस थी। इतना चीप प्राइस रहती है गाइस कि आपको बार्गेन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, और यहाँ बार्गेन बहुत कम होता है यहाँ के स्ट्रीट साइड में। लाइक अगर ये लोग 50 बोले तो ये लोग लास्ट 45 to 40 रुपीज में आएंगे। एक मैं लमसम अमाउंट आपको बता रही हूँ, उससे ज्यादा बार्गेन नहीं होता बिकॉज ये टूरिस्ट प्लेस है। इन लोग इतना अमाउंट बोलते ही नहीं है जो ये लोग बार्गेन करें। एटलीस्ट आपको 10 रुपीज या 5 रुपीज हर चीज में बार्गेन में हो पाएगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। सो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, छोटे छोटे शॉप से ज्यादा बार्गेन नहीं करें। बिकॉज अगर आप बड़े मॉल में जा रहे हो तो वहां आप लोग बार्गेन नहीं करते हो, राइट? वहां आप जाते हो जो एग्जैक्ट अमाउंट दिखता है आप लोग वही बिल पे करते हो कैश काउंटर पे जाते। तो ये शॉप में हम लोग रुके थे, काफी देर लगा था ये शॉप में हम लोगों को बिकॉज मैंने बहुत सारी पर्ल ज्वेलरीज लिए थे, पेंडेंट लिए थे, इयररिंग्स वगैरह ली थी और हाँ चूड़ियां मैंने पर्ल्स वाली और एडी स्टोन की बहुत सारी चूड़ियां ली थी यहाँ से। एडी स्टोन की चूड़ी है जो ये भले भैया बोले कि आप आराम से इसे पहन सकते हो, जब तक आप नेक्स्ट विजिट नहीं करोगे दिखा ये खराब नहीं होगा। और इस वाले भैया से मैंने बहुत सारी बात भी की थी। तो यहाँ का शॉपिंग मेरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद जब मैं थोड़ा आगे बढ़ी तो यहाँ पर इस तरह सा शॉप मुझे नजर आता है, लाइक टॉयज की शॉप आपको यहाँ पर मिलेंगी, बहुत सारे बैग काउंटर आपको मिलेंगी, देन ड्राई फ्रूट्स की शॉप है, ये हैंडमेड शॉप है। आप देखो कितना सारा ये लोग हैंडमेड ये बना कर रखे हैं, ये लाइव बनाते हैं। यहाँ पर एक शॉप मुझे नजर आया जो बहुत अच्छा थी, यहाँ पर आपको झूला वगैरह मिलेंगे, आपको बड़े साइज की बैग मिलेगी। अगेन आप देख सकते हो टॉयज, यहाँ पर टॉयज, ज्वेलरी, बैग, ये सब की हैंडक्राफ्ट की सामान आपको बहुत सारा मिलेंगी, होम डेकोरेशन के सामान मिलेंगी। तो ये वाले एक मार्केट है, इसको हम लोग पूरे अच्छे से एक्सप्लोर किए थे कि यहाँ पर क्या क्या है। पहले हम लोग ने अच्छे से एक्सप्लोर किया, देन उसके बाद हम लोग रुके थे, बहुत सारे स्टोर पे विजिट किया और वहाँ से फिर चालू हुआ मेरा शॉपिंग। जी हाँ, अब देख रहे हो कितना क्यूट सा बैग है। तो हम लोग कहीं भी जाते हैं पहले उस एरिया को अच्छा से एक्सप्लोर कर लेते हैं। ऐसा नहीं है एक ही दुकान देखे और उसी में चले जाना, नहीं, आपको अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहिए तभी आपको पता चलेगा कि कहाँ क्या बेटर है, नहीं है। और ये देखो क्वालिटी वॉल्स, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, आप जाकर वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मेन मार्केट से जब बाहर निकलोगे तो इस तरह से आपको अगेन छोटे छोटे शॉप बहुत सारे नजर आ जाएंगे। तो चलो अब मैं दिखाती हूँ दूसरे शॉप। ये एक शॉप मुझे नजर आया था, यहाँ से मैंने बहुत सारे परचेस किए थे, अपने लिए भी इयररिंग परचेस किया था, मेरी मम्मी के लिए भी किए थे और ये वाले भैया ही थे ब्लू टी शर्ट में जो आपको नजर आ रही है, बहुत अच्छे से गाइड किए थे। और मम्मी के लिए पर्ल वाली मैंने चूड़ियाँ भी लिए थे यही वाले शॉप से। तो यहाँ पर बहुत सारे नेकलेस आपको मिल जाएंगी, पर्ल ज्वेलरी, एडी स्टोन ज्वेलरी एंड नॉन मुस्लिम के लिए यहाँ पर बहुत सारे सो पीस भी मिल जाएंगे जो मेरे हस्बैंड ने यहीं से एक सो पीस लिया था अपने ऑफिस के मैनेजर के लिए, राइट? तो ये आप देख रहे हो यहाँ कितना प्रीटी प्रीटी सेट है। बट मैंने ये इतना हेवी कोई भी नेकलेस या प्रीटी सेट आप जो देख रहे हो, मैंने इतना हेवी कुछ नहीं लिया था बिकॉज जैसे कि आप सबको पता है जब शादी होती है तो आपके पास बहुत सारी ज्वेलरी होती है, तो इसलिए मैंने ये इतना हेवी नहीं लिया था। बट हाँ, छोटा वो छोटा छोटा कुछ कुछ बहुत सारा सामान इस वाले शॉप से लिया था, खासकर मम्मी के लिए था। और ये देखो एडी स्टोन में मुझे एक लोकल शॉप से नजर आई थी और दिघा से अब मुझे आते हुए कम से कम 2.5 महीना हो गए और ये एडी स्टोन की मैं ली थी छोटे छोटे स्टड और आज भी ये स्टड अच्छे हैं।
उसके बाद लास्टली हम लोग ये वाले दुकान पे विजिट किए थे, यहाँ पर सारे आइटम आपको मीठा पे मिलेंगे। जी हाँ, स्वीट्स आइटम है। सब वीडियो का शुरुआत मीठा से करते हैं, मैं वीडियो को एंड करूँगी आज कुछ मीठा के साथ। तो आप देखो यहाँ पर बहुत सारे मिलते हैं, यहाँ के लोकल लैंग्वेज में है, यहाँ का फेमस जिसको बोलते हैं ये लोग काजू नाड़ू। जी हाँ, आप वहाँ पर जाके ट्राई कर सकते हो। ये भी मेरे लिए बहुत ही अलग सी लगी थी कुछ, क्योंकि बिकॉज दीघा की ये स्पेशल है। यहाँ पर बहुत सारे चिक्की मिलेंगे आपको, पीनट चिक्की, चॉकलेट, काजू, सोन पापड़ी, चिक्की बहुत सारी मिलेंगी, मुरब्बा मिलेंगी, और ये साइड में है इसे खाजा बोलते हैं। मतलब स्वीट्स आइटम जितना भी आपको मिलेंगी, मिठाई, पेड़ा एंड ऑल, लड्डू, बेसन के लड्डू सब मिलेंगे। ये सोन पापड़ी के डब्बे तो हम लोग हमेशा जब भी जाते लेते हैं। और जहाँ मेरे हस्बैंड खड़े हैं वहाँ पर आप देखो दो दो बड़े बड़े कंटेनर पर रखे हुए, वो वाले उसे खाजा बोलते हैं, वो भी जब भी हम लोग जाते हैं। तो अब हम लोग की शादी को 2.5 साल हो गया, 2.5 साल में हम लोग 3 बार दीघा जा चुके, तो जब भी जाते हैं तो हम लोग लेते हैं यहाँ से ये सोन पापड़ी और खाजा ज़रूर लेते हैं, और कुछ चिक्की वगैरह भी लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी स्वीट्स ऑप्शन है, आप वहाँ पर से जाके चेकआउट कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी थी कि ये वाले भैया के पास ऑनलाइन ऑप्शन भी है। आजकल हर कोई ऑनलाइन लगता है, स्कैनर देख सकते हो साइड में लगा हुआ है। सो आप कोई भी पेमेंट मोड, कोई भी ऐप से ये स्कैनर से स्कैन करके इस वाले भैया को पे भी कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास कैश है या नहीं, आप स्कैनर का भी यूज़ कर सकते हो। सो अगर आप न्यू दीघा आ रहे हो तो ये कुछ मेरा रिकमेंडेशन था आप लोगों के साथ, आप चेकआउट कर सकते हो। और रिक्शा वाले भैया का भी मैं डिटेल्स दे दूँगी डिस्क्रिप्शन पर, आप जब भी जाए अगर आप मेरा नाम लोगे ब्यूटी एंड शाई और बोलोगे कि उनमें आप लोगों को रिफ़र की हूँ, तो वो वाले भैया आपको थोड़ा डिस्काउंट भी देंगे। और आप अगर वो भैया भूल जाए मेरे नाम, तो आप बताना कि डॉल्फिन में रहते थे वो लोग, तो आपको वो भैया डिस्काउंट भी देंगे जो भैया ने मुझे कहा था कि आप प्लीज़ ये वाले बात वीडियो में बोल देना। सो ज़रूर से ज़रूर उस वाले भैया को आप कॉन्टैक्ट करें, अगर उनसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा तो वो वाले भैया दूसरे रिक्शा वालों को आपके ओर भेज देंगे। आई होप आपको मेरा ये न्यू दीघा एक्सप्लोर टूर पसंद आया हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।